गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्रिंटर का ये वाला एरर जो दिखा रहा है। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि इस वाले मतलब इंक को डालने पे ये एरर ठीक नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो चलिए अभी हम इसको हम अभी इसमें डालेंगे और देखते हैं गाइस कि ये एरर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके सामने मैंने यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल वाला इंक जो है ले लिया है। कितने रुपये का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये 2-in-1 है, एक बॉक्स में 2 है गाइस। तो ये मुझे पड़ा 1400 रुपये का। चलिए अब हम आपको इसको डाल करके दिखाते हैं कि ये एरर ठीक हो रहा है या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस एरर। चलिए अब डालते हैं इसको। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको निकाल लिया है डब्बे से, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है दोनों के दोनों। तो हम एक ही डालने वाले हैं अभी, इसको रखते हैं साइड में। चलिए हम डालते हैं इसको, खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको रैपर से निकाल लिया, इसको हम खींचते हैं फिर से इधर की तरफ और इसको शायद हमें खींचना होगा, देखते क्या होता है इसको कैसे करना है। और ये वाला शायद हमें ऐसे करके ऐसे करना है शायद। चलिए हम लगा कर देखते हैं कैसे करना है इसको। इसको पहले हम ऊपर करते हैं वाले पार्ट को और यहाँ पे हम इसको ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि ऑन ही रखना होता है। उसके बाद इसको जो है गाइस इसमें हम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद इसको घुमाना होता है शायद ऐसे। चलिए घूम जाए जी, ऐसे घुमाना है